हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉन टेक्निकल इन एनी इंटरव्यू। आज मैं जिन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चंस आपको हर इंटरव्यू में 99% पूछे ही पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको इनकी एक सर्टेन वे में आंसर करना है, जो कि जस्टिफाइड लगेगा इंटरव्यूअर को आपके सिलेक्शन के लिए। So before moving on to the main video, please subscribe to the channel. I need your support, guys. मेरे को आप support दिखाओगे subscribe करके तो ही मेरे लिए more motivation होगा to share my knowledge with you on how I cleared 8 sponsorships, how my students are clearing so many sponsorships, what has bring so much success for them, which can be brought to you also. ठीक है? तो subscribe करो, like करो and let's go. 1, 2, 3, fuck it. Starting with first question, how to introduce yourself? Tell me something about yourself. ये question आपको interviewer घुसते ही पूछेगा। तो कैसे answer करना है इस question का कि how to introduce myself? मैंने proper 5 से 10 minute का video सिर्फ इसी question पे बनाया, ऊपर I section में दिया हुआ है, इसको जाके देखो, fully explain किया हुआ है। Short में अभी समझा देता हूँ। Greeting and salutation से start करना है आपको, फिर अपना introduction देना है, उसके बाद आपको बताना है अपने बारे में, अपनी family के बारे में, hobbies के बारे में। वो पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड आंसर मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि जो मैं आई सेक्शन में वीडियो दिया है ना, इसको जाके देखो। जाके देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना अच्छे से आपको आंसर करना है एंड व्हाट लेवल ऑफ आंसर इज द इंटरव्यूअर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इज टेल मी अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज के बारे में आपको बहुत तगड़ी तरीके से ग्रिल किया जाएगा आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो। मैं आपको मेरे टाइम का एक्सपीरियंस बता देता हूँ एंड उन बच्चों का भी बता देता हूँ जो जाते हैं ऑलरेडी इंटरव्यू में। फुटबॉल का कुछ बच्चे बोलते हैं कि देयर हॉबीज फुटबॉल। पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज ऑफसाइड इन फुटबॉल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्राउंड इन फुटबॉल, डी कितने, जो डी होता है फुटबॉल का उसकी क्या लेंथ होती है, रेडियस क्या होता है सर्कमफेरेंस का, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, बॉल का साइज क्या होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल। ठीक है, अब एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो भी ये क्रिकेट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे क्रिकेट पे उनको सवाल पूछते हैं हाउ डज अ बॉल स्पिन, मैग्नस लॉ, मैग्नस MAGNUS, मैग्नस लॉ कैसे इफेक्ट कर रहा है स्पिन ऑफ द बॉल को, स्विंग कैसे होती है, इन स्विंग कैसे होती है, सिली मिड ऑन कौन सी पोजीशन है, मिड विकेट क्या पोजीशन है। क्रिकेट में तो आपको पूरा ग्रिल कर देंगे वो, अगर आपने क्रिकेट बोल दिया तो। डरना नहीं है आपको, कम से कम अपनी 3 हॉबी के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। एक बेस्ट टिप देता हूँ, एक हॉबी हमेशा ये रखो, रिसर्चिंग अबाउट मर्चेंट नेवी, वॉचिंग व्लॉग्स ऑफ मर्चेंट नेवी। ठीक है, ये एक अच्छी हॉबी है, बोलो आप कि मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से, ये एक अच्छा हॉबी बता सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हॉबीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में आपने अगर अच्छा आंसर कर लिया, अपना रिसर्च अच्छा किया, तो इट विल बूस्ट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत अच्छे से लगेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि पूछा ही पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। अब कैसे आंसर करोगे इसका, बोल देंगे बहुत बच्चे मेरे को सबसे बड़ी गलती करते हैं, इट इज नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट इज नॉट अ टिपिकल ऑफिस जॉब। ठीक है, मान लिया 9 to 5 कैसे नहीं है, इट इज नॉट अ फिक्स शेड्यूल, इट इज डेफिनेटली अ फिक्स शेड्यूल बड़ी। अगर आप एज अ डेडिकेटेड जाओगे तो आपको सुबह 4 से 8 वॉच होगा, 8 से 12 आपका डेक पे होगा, 12 से 4 अगर रेस्ट हो भी गया तो 4 से 8 वापस वॉच होगा शाम के। आप 12 hours वर्क कर रहे हो जिसमें आप प्रॉपर स्केड्यूल के साथ काम कर रहे हो, तो फिर देर इज नो फिक्स स्केड्यूल, खत्म बात। फिर वो पूछेंगे इट इज एन एडवेंचरस जॉब, काई के एडवेंचर, आपका पोर्ट ही नहीं आएगा। वॉट इफ यू आर ऑन अ VLCC वेसल, वॉट इफ यू आर ऑन अ गैस कैरियर, तब तो आप शायद शोर को देख भी नहीं पाओगे मंथ्स टू मंथ्स, फिर आप क्या करोगे। सो आपके आंसर्स को ना वहीं पे कट कर देगा। Why do you want to join Merchant Navy has to be a very natural answer, which is has to be very unique to you. I remember when I got into the Tom's interview, सबसे पहला सवाल मेरे को पूछा introduce yourself, दूसरा why do you want to join Merchant Navy, मेरा last interview था, शाम के 5:30 बज गए थे, उनने मेरे को बोला कि घिसे-पिटे आंसर मत देना, adventure 9 to 5 वाले natural बोलो, and मैं तो वही याद करके गया था, तो मेरे साथ एकदम उलट पलट हो गया। तो मैंने एंग्लो में भी इसलिए अपना आंसर एकदम यूनिक एंड अलग प्रिपेयर करके गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट अ यंग एज, यू नो,
इजी सेटलमेंट इन लाइफ, ये सब आप बोल सकते हो. यू गेट टू शोल्डर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ वेरी यंग एज. You are responsible for millions of worth of cargo after becoming captain of a ship at a very young age, जो कि आप दूसरे करियर में नहीं कर पाओगे, ठीक है? Coming from a middle class family, I always had a dream of being successful in life, and this career path does really pique an interest in me, and I am inspired by what people do. तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो natural लगती है थोड़ी जब आप बोलोगे. तो if you say these things with your unique answer, that would look really good for the interviewer. तो ये सब चीज़ आपको प्रिपेयर करके जानी है. ये तीन क्वेश्चन को आपको बहुत तगड़ी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है. अगर ये तीन क्वेश्चन आपने अच्छे कर लिए तो आपका 70% नॉन टेक्निकल तो प्रिपेयर है, ठीक है? सो इसका पार्ट टू इफ यू वॉन्ट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. में आपको और तगड़े क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है? So let me know if you want the part 2. If you want to know how to prepare for sponsorships and IMU CET, नीचे Google form का link दिया हुआ है, उसको जाके भरो, ठीक है? उसको जाके भरोगे तो आपको और information मिल पाएगा आगे से आगे कि कैसे join करना है merchant navy, and join the WhatsApp group also. Thank you so much. Bye bye and subscribe.